हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टूडियो सौरा। सो इन टुडेज़ वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट नर्सिंग प्रोसेस। विल डिस्कस कि नर्सिंग प्रोसेस क्या होता है, इसके पर्पसेस क्या होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, इसमें क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं और उन्हें यूज़ कैसे किया जाता है। सो आप सब लोगों को पता है कि नर्सिंग प्रोसेस यूज़ किया जाता है हमारा NCP, नर्सिंग केयर प्लान बनाने के लिए। सो NCP के लिए नर्सिंग प्रोसेस यूज़ होता है। आज अब हम देखते हैं नर्सिंग प्रोसेस होता क्या है। सो बेसिकली इट इज़ अ द नर्स अप्लाई नर्सिंग प्रोसेस व्हेन डिलीवरिंग द क्लाइंट केयर। जब भी कोई नर्स पेशेंट की केयर करती है तो उसे नर्सिंग प्रोसेस अप्लाई करना होता है। नर्सिंग प्रोसेस अप्लाई करते हैं हम नर्सिंग केयर प्लान में, ठीक है। देन 5 स्टेप्स क्लिनिकल डिसीजन मेकिंग अप्रोच होती है ये। उसमें 5 स्टेप्स क्या होते हैं इसके, असेसमेंट, नर्सिंग डायग्नोसिस, प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन एंड इवेल्युएशन। तो ये होते हैं हमारे 5 स्टेप्स ऑफ नर्सिंग प्रोसेस। नाउ वॉट आर द पर्पज ऑफ नर्सिंग प्रोसेस। सो फर्स्ट पर्पज इज़ टू डायग्नोज और ट्रीट ह्यूमन रिस्पॉन्स टू एक्चुअल और पोटेंशियल हेल्थ प्रॉब्लम। हेल्थ प्रॉब्लम्स जो भी हो रही हैं किसी भी पेशेंट को, चाहे वो एक्चुअल हो या पोटेंशियल। एक्चुअल का मतलब जो अभी हेल्थ प्रॉब्लम पेशेंट को है, ठीक है, जिससे वो सफ़र कर रहा है। पोटेंशियल मतलब जो हो सकती है, द पेशेंट इज़ एट रिस्क ऑफ दैट हेल्थ प्रॉब्लम्स। तो उन्हें डायग्नोज करने के लिए, उसे ट्रीट करने के लिए, ओके। देन ह्यूमन रिस्पॉन्स इंक्लूड क्लाइंट सिम्टम्स, फिजियोलॉजिकल रिएक्शंस टू ट्रीटमेंट एंड नीड फॉर नॉलेज एंड कोपिंग स्ट्रेटजीज। तो ह्यूमन रिस्पॉन्स में क्या क्या आता है हमारा, उनमें आता है सिम्टम्स। सबसे पहले कोई भी अगर प्रॉब्लम हो रही है किसी पेशेंट को तो उसके सिम्टम्स आएंगे, फिजियोलॉजिकल रिएक्शंस भी आएंगे, ठीक है। जो भी ट्रीटमेंट चल रहा है उसके अगेंस्ट फिजियोलॉजिकल रिएक्शंस भी आते हैं। फॉर एग्जांपल हमने हेडेक के लिए उन्हें ट्रीटमेंट दिया किसी पेशेंट को, तो अब उसका जो हेडेक है वो कम होगा, तो ये फिजियोलॉजिकल रिएक्शंस ही तो हैं। देन नीड फॉर नॉलेज एंड कोपिंग स्ट्रेटजी। अब पेशेंट को तो डायग्नोसिस के बारे में पता नहीं है, कोई भी छोटी डायग्नोसिस हो सकती है, बड़ी हो सकती है, तो उनको नॉलेज चाहिए होती है डायग्नोसिस की, इंटरवेंशंस की, ट्रीटमेंट की एंड कोपिंग स्ट्रेटजीज के बारे में हमें बताना होता है। तो ये सारी चीज़ें हमारे NCP में आती हैं। नेक्स्ट, ब्लू प्रिंट या प्लान फॉर पेशेंट केयर। पेशेंट केयर का जो हम प्लान करते हैं, लाइक NCP बनाते हैं नर्सिंग केयर प्लान, तो उसका ब्लू प्रिंट होता है ये, कि हमें मतलब पता होना चाहिए कि हम क्या करने जा रहे हैं अभी पेशेंट के साथ, ठीक है। तो हमें वो सारी चीज़ें इन रिटन फॉर्म चाहिए होती है, दैट इज़ कॉल्ड नर्सिंग प्रोसेस। देन इट अलाउज़ फ्लैक्सिबिलिटी इन ट्रीटमेंट ऑफ क्लिनिकल सेटिंग्स। क्लिनिकल सेटिंग में फ्लैक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है ये ट्रीटमेंट करने में, क्योंकि हमें पता है अब हमें क्या स्टेप्स लेने हैं, डायग्नोसिस क्या है, क्या सिम्टम्स आ रहे हैं, एक बेस लाइन सेट हो जाती है, ठीक है। देन अलाउज़ कम्युनिकेशन विद पेशेंट। पेशेंट के साथ कम्युनिकेशन अलाउ करता है। अब हम जाके डायरेक्टली पेशेंट को ऐसे तो डिस्टर्ब नहीं कर सकते बिना किसी पर्पस से, तो कोई पर्पस होना चाहिए जिससे हम पेशेंट के साथ कम्युनिकेट करें। सो डेट हमें उसकी हिस्ट्री भी मिलेगी, हमें उसका डायग्नोसिस पता चलेगा, तो हम सोच सकते हैं ना कि अब हमें क्या इंटरवेंशंस आगे करने हैं इस पेशेंट के अकॉर्डिंग, क्योंकि हर पेशेंट, एवरी इंडिविजुअल इज़ अ डिफरेंट इंडिविजुअल। तो ऐसे हर पेशेंट डिफरेंट होता है, उसके सिम्टम्स डिफरेंट हो सकते हैं, क्या पता है कि वो सिम्टम्स को जो परसीव कर रहा है वो डिफरेंट टाइप से हो सकता है। तो ये कम्युनिकेशन के बाद ही पता चलता है। नाउ 5 स्टेप नर्सिंग प्रोसेस मॉडल। तो 5 स्टेप्स होते हैं, मैंने आपको बताया था। इन सभी स्टेप्स को हमें एनालाइज करना होता है। असेसमेंट होता है, देन नर्सिंग, पहले हम असेस करते हैं पेशेंट को, उसकी प्रॉब्लम्स को असेस करते हैं, देन नर्सिंग डायग्नोसिस देते हैं उसे। जो भी हम डायग्नोसिस देंगे उसे नर्सिंग डायग्नोसिस बोलेंगे, क्योंकि हम क्लिनिकल डायग्नोसिस, मेडिकल डायग्नोसिस, मतलब मेडिकल डायग्नोसिस और नर्सिंग डायग्नोसिस दोनों अलग अलग चीज़ होती हैं, तो हम उसे नर्सिंग डायग्नोसिस देंगे। देन प्लानिंग करेंगे फॉर द इफेक्टिव ट्रीटमेंट, देन वो जो प्लान किया है उसे इम्प्लीमेंट करना है, देन इवेलुएट करना है हमें पेशेंट को। तो ये 5 स्टेप्स होते हैं हमारे नर्सिंग प्रोसेस में एंड नर्सिंग केयर प्लान में, ओके। अब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है नर्सिंग प्रोसेस की। तो नर्सिंग प्रोसेस इज़ अ प्रोफेशनल नर्स अप्रोच टू आइडेंटिफाई, डायग्नोज एंड टू ट्रीट ह्यूमन रिस्पॉन्स टू हेल्थ एंड इलनेस। अब ये एक प्रोफेशनल जो नर्स है ना, उसकी अप्रोच होती है कि वो आइडेंटिफाई करेगी। सबसे पहले आइडेंटिफाई, वही असेसमेंट का पार्ट हो गया, फिर हम डायग्नोज करेंगे, फिर ट्रीट करेंगे ह्यूमन रिस्पॉन्स टू हेल्थ एंड इलनेस। कोई भी रिस्पॉन्सेज, कोई भी साइन एंड सिम्टम्स आ रहे हैं या फिर कोई भी प्रॉब्लम पेशेंट को होती है तो उसे ट्रीट करना है हमें। तो उसके लिए सिस्टमैटिक वे होता है नर्सिंग प्रोसेस एक। सो इट इज़ फंडामेंटल टू हाउ नर्स प्रैक्टिस। फंडामेंटल होता है कि एक नर्स जो है वो कैसे प्रैक्टिस कर रही है, ओके। देन
इट इज़ अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। तो नर्सिंग प्रोसेस जो है कॉन्टिन्यूस प्रोसेस होता है, ऐसा नहीं है कि हमने एक बार पेशेंट को असेस किया, डायग्नोसिस की प्लानिंग किया, इंटरवेंशन करके इवेल्युएट कर लिया और हो गया हमारा काम खत्म, अब हम पेशेंट को देखेंगे भी नहीं एक बार। नो, क्या पता इवेल्युएशन के बाद फर्दर असेसमेंट की हमें ज़रूरत पड़ सकती है, क्योंकि फॉर एग्जांपल मैं आपको पेन का एग्जांपल देती हूँ। हमारे पास पेन स्केल का स्कोर था स्टार्टिंग में जब हमने असेस किया पेशेंट को, तो 9/10 था, ठीक है। फिर जब हम इंटरवेंट करने के बाद उसे इवेल्युएट करते हैं, ठीक है, तो उसका जो पेन स्कोर हो जाता है वो 5/10 हो जाता है। तो 5/10 भी तो पेन है ना उसे, हम तो चाहते थे हमारे गोल्स क्या थे कि 0/10 आए या 1/10 आए, तो हमें अब फर्दर उसे पेशेंट को असेस करना होगा, फर्दर ये सारी प्रोसेस कर ये सारे स्टेप्स करने होंगे, उसके बाद इवेल्युएट करना होगा। तो ये एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, देन लीनियर प्रोसेस है। लीनियर प्रोसेस मतलब ये चलती जाएगी, स्टेप बाय स्टेप होगी। ऐसा नहीं है कि मैं सोचूं कि मुझे प्लानिंग ज़्यादा अच्छा लगता है, मैं फर्स्ट स्टेप प्लानिंग रख लूँ, सेकंड स्टेप डायग्नोसिस रख लूँ, थर्ड स्टेप इवेल्युएशन हो जाएगा, फोर्थ इंप्लीमेंटेशन, तो ऐसा नहीं हो सकता है। लीनियर प्रोसेस है, स्टेप बाय स्टेप ही चलेगा, ठीक है। जो स्टेप्स इसके लिए बनाए गए हैं उसी स्टेप्स के अकॉर्डिंग चलेगा ये। नाउ साइकिल ऑफ नर्सिंग प्रोसेस। सो नर्सिंग प्रोसेस में मैंने आपको बताया था 5 स्टेप्स होते हैं, 5 स्टेप्स को हम देख लेते हैं कि होता क्या है बाई डेफिनेशन। तो असेसमेंट क्या होता है, इट इज़ टू गैदर द इन्फॉर्मेशन अबाउट क्लाइंट्स कंडीशन या डेटा कलेक्शन। या डेटा कलेक्शन का फेज़ होता है जिसमें हम जो पेशेंट की कंडीशन है उसके अकॉर्डिंगली हम उसकी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, डेटा कलेक्शन में हिस्ट्री वगैरह कलेक्ट करते हैं, मैं ये सब आपको आगे बताऊंगी। देन नेक्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप आता है हमारा डायग्नोसिस का स्टेप। डायग्नोसिस में वी आइडेंटिफाई द क्लाइंट्स प्रॉब्लम एंड गिव देयर डायग्नोसिस। पेशेंट की प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करते हैं हम, देन हम उसे एक नर्सिंग डायग्नोसिस देते हैं। नर्सिंग डायग्नोसिस हम देते हैं नंदा डायग्नोसिस में, वो भी मैं ये आप आगे पढ़ोगे। देन प्लानिंग, प्लानिंग में क्या करते हैं, दी सेट गोल्स ऑफ केयर एंड डिज़ायर्ड आउटकम्स एंड आइडेंटिफाई अप्रोप्रिएट नर्सिंग एक्शंस। तो हम गोल सेट करते हैं केयर करने के लिए, डिज़ायर्ड आउटकम्स के लिए, और आइडेंटिफाई करते हैं अप्रोप्रिएट नर्सिंग एक्शंस को, ठीक है। हमें पता है कि हम डिज़ायर्ड आउटकम्स क्या होते हैं, जो हम चाहते हैं कि ये आउटकम मिलना चाहिए। लाइक हमने पेशेंट को अगर फीवर के लिए मेडिकेशन दिए तो उसका फीवर रिड्यूस होना चाहिए या नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाना चाहिए, ठीक है। ये होते हैं हमारे गोल्स और डिज़ायर्ड आउटकम्स, तो ये हम प्लानिंग करते हैं, ठीक है। फिर इम्प्लीमेंटेशन क्या होता है, जो हमने प्लान किया है उसे हम एक्शन में परफॉर्म करेंगे, इंटरवेंट करेंगे प्रॉब्लम को, देन परफॉर्म दी नर्सिंग एक्शंस आइडेंटिफाइड इन प्लानिंग। जो भी हमने नर्सिंग एक्शंस जो प्लानिंग में लिखे हुए हैं उसे हम परफॉर्म करेंगे, तो ये होता है हमारा इम्प्लीमेंटेशन पार्ट, कि प्लानिंग को इम्प्लीमेंट कर देना पेशेंट के ऊपर। इसे हम इंटरवेंशन पार्ट भी बोलते हैं, ठीक है। प्लानिंग को हम एक और नाम देते हैं गोल्स, और इम्प्लीमेंटेशन को हम बोलते हैं इंटरवेंशन, क्योंकि हम इंटरवेंट कर रहे हैं ना किसी भी डायग्नोसिस को, ठीक है। देन उसके बाद आता है हमारा इवेल्युएशन पार्ट। इवेल्युएशन पार्ट में क्या होता है, डिटरमिन्स इफ़ गोल्स आर मेट, डिज़ायर्ड आउटकम अचीव्ड और नॉट। इवेल्युएशन पार्ट देखता है कि जो हमने गोल सेट किए थे, जो भी हमारे डिज़ायर्ड आउटकम्स थी, वो अचीव हुई या नहीं। कि हमने तो गोल ये सेट किया था कि पेशेंट को पेन है 9/10 के स्कोर पे और उसका पेन रिड्यूस होकर 1/10 या 0/10 पे आ जाए, बट तो हमें यही इवेल्युएट करना है कि क्या उसका पेन स्केल रिड्यूस हुआ है या नहीं हुआ, और हुआ है तो कितना रिड्यूस हुआ है। क्या पता सिर्फ 9/10 से 8/10 पे आया तो हमारे आउटकम्स नहीं आए ना। तो ये सारी होती है नर्सिंग प्रोसेस। सो इन देन अब हम 1/1 सबको पढ़ लेते हैं। तो फर्स्ट है असेसमेंट पार्ट। असेसमेंट पार्ट को हम कहते हैं डेटा कलेक्ट। सो डेटा कलेक्शन में बेसिकली होता क्या है, हमारे पास 2 मेथड्स होते हैं डेटा कलेक्ट करने के, ठीक है। फर्स्ट इंटरव्यूज़ होते हैं हमारे पास, देन नर्सिंग हेल्थ हिस्ट्री इंटरव्यूज़। इंटरव्यूज़ में हम क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, नर्सिंग हेल्थ हिस्ट्री में हम हिस्ट्री टेकिंग करते हैं। हिस्ट्री टेकिंग आप सब लोगों को आता होगा, फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेते ही सबसे पहले जो हमें चीज़ बताई जाती है वो होती है हिस्ट्री टेकिंग, ठीक है। तो हिस्ट्री टेकिंग के लिए हमें सबसे पहले क्या करना है, आप जाते ही आप ऐसा तो नहीं कर सकते पेशेंट के पास गए और जाके बोलने लग गए, ठीक है, अपनी हिस्ट्री बता दो हमें, तो अब वो रट के तो आया नहीं अपनी हिस्ट्री जो आप लोगों को बता देगा, ओके। तो आपको क्या करना है, इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। सबसे पहले आप जाओगे अपने आप को इंट्रोड्यूस करो, ये नहीं जाते ही पूछने लगो हेलो आप कैसे हैं और आपका नाम क्या है। पहले खुद को तो इंट्रोड्यूस करो, जाओ उन्हें ग्रीट करो, उन्हें बोलो हेलो गुड मॉर्निंग या नमस्ते, जो भी आपको बोलना है। देन अपने आप को इंट्रोड्यूस करो, बताओ कि आप कौन हो, आप एक नर्सिंग स्टूडेंट हो या आप एक नर्स हो, आप उन्हें असिस्ट कर रहे हो,
ठीक है, इंट्रोड्यूस करना है और एक आईपीआर इंटरपर्सनल रिलेशनशिप बनानी है। आईपीआर कैसे बनेगा आपका, जब आप इंट्रोड्यूस करोगे, उनसे अच्छे से बातें करोगे, ठीक है, उनकी नीड के अकॉर्डिंगली उनसे बात करोगे, तो आपका आईपीआर पेशेंट से अच्छा बन जाएगा। उसके बाद आपको ऑब्जर्व भी करना है पेशेंट को, पेशेंट कुछ भी कर रहा है आपको ऑब्जर्व करना है, लाइक पेशेंट को पेन है वो आपको नहीं बताना चाह रहा है, बट क्या पता वो कुछ ऐसी मूवमेंट्स कर रहा है, वो गार्डिंग मूवमेंट्स कर रहा है अपने हाथ पे पैर पे, क्या पता उसके पेट में दर्द है या उसे कॉन्स्टिपेशन है, तो आपको क्या करना है, उसके फेशियल एक्सप्रेशन देखोगे आप, गार्डिंग मूवमेंट्स देखोगे, तो ये सारी चीज़ें आपको ऑब्जर्व करनी होगी पेशेंट की। देन आस्क द क्वेश्चंस एंड टेक हिस्ट्री, आपको हिस्ट्री के अकॉर्डिंगली क्वेश्चंस पूछने हैं, लाइक क्या क्या पूछना होता है आपको, प्रेजेंट हिस्ट्री के अभी क्या चल रहा है, चीफ कंप्लेंट्स पूछोगे आप, पास्ट हिस्ट्री पूछोगे कि पास्ट में कभी ऐसा हुआ है, ऐसा हुआ है तो आपने कौन सी मेडिकेशंस ली, उससे कोई रिएक्शन तो नहीं हुआ, एलर्जिक हिस्ट्री लेनी है आपको पेशेंट की, कि आपको किसी चीज़ से एलर्जी तो नहीं है, कोई पर्टिकुलर फूड आइटम जिससे एलर्जी हो या कोई पर्टिकुलर मेडिकेशंस, ठीक है, या फिर फैमिली में किसी को सेम प्रॉब्लम है या नहीं, या फिर लाइक पेन है, अगर पेन की हिस्ट्री आप लोगे तो क्या पूछोगे, ऑनसेट कब हुआ, ऑनसेट क्या है, ड्यूरेशन क्या है, इंटेंसिटी क्वालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स लोकेशन, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको हिस्ट्री में लेनी होती है। देन आता है आपका इंटरव्यूज़, इंटरव्यू में आपको दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ओपन एंडेड क्वेश्चन एंड क्लोज एंडेड क्वेश्चन, तो आप पेशेंट से दो टाइप के क्वेश्चन पूछते हो, तो फर्स्ट ओपन एंडेड क्वेश्चन, ओपन एंडेड क्वेश्चन आप पेशेंट से जब पूछते हो जब आपको डिटेल में आंसर चाहिए, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल टेल मी हाउ आर यू फीलिंग, आप कैसा फील कर रहे हो, तो इसमें वो ये तो नहीं कह सकता कि मतलब मैं अच्छा फील कर रहा हूँ बुरा फील कर रहा हूँ, वो सारी चीज़ें आपको बताएगा कि मैं बुरा फील कर रहा हूँ या अच्छा फील कर रहा हूँ, इस वजह से फील कर रहा हूँ ऐसा, या मुझे पेन हो रहा है, ठीक है, या फिर मुझे घर की याद आ रही है, या मैं अब यहाँ नहीं रह पाऊँगा, तो ये सारी चीज़ें आपको ओपन एंडेड क्वेश्चन में पूछनी होती है। देन डिस्क्राइब हाउ योर फैमिली मेम्बर्स हैज़ बीन हेल्पिंग यू, सो आपके फैमिली मेम्बर आपकी कैसे हेल्प कर रहे हैं, मतलब क्या क्या आपकी केयर कौन करता है, कैसे होता है ये सब, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपके ओपन एंडेड क्वेश्चन में होते हैं, जिसमें पेशेंट जो है जो उसके मन में आता है वो सब बोल सकता है। ओके, देन नेक्स्ट आपका आता है क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चंस, तो क्लोज एंडेड क्वेश्चन में आते हैं आर यू हैविंग लाइक ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जिसमें आपको सिर्फ वन वर्ड आंसर चाहिए या फिर येस और नो में आंसर चाहिए, फॉर एग्जांपल आर यू हैविंग पेन नाउ, क्या आपको अभी पेन हो रहा है, ठीक है, तो पेशेंट इसमें तो आपको इसमें क्लोज एंडेड क्वेश्चंस में ऐसे ही क्वेश्चन पूछने होते हैं, फॉर एग्जांपल आर यू हैविंग पेन नाउ, क्या आपको पेन हो रहा है, तो इसमें पेशेंट वही आंसर देगा कि हाँ मुझे पेन हो रहा है या फिर नहीं, हाँ या नहीं में आंसर देगा, ठीक है, तो इसमें वो अगर कुछ आपको बताना भी चाहता है तो इसमें वो इलैबोरेट आंसर नहीं दे सकता है, ठीक है। देन डू यू फील लाइक द मेडिकेशन इज़ हेल्पिंग यू, क्या आपको लगता है कि मेडिकेशन आपको हेल्प कर रही है, तो इसमें भी पेशेंट हाँ या ना में ही आंसर देगा, वो ये नहीं कह सकता कि हाँ ये वाली मेडिकेशन मुझे हेल्प कर रही है ये वाली नहीं कर रही है, और ये वाली मेडिकेशन मैं ऐसे खाता हूँ वैसे खाता हूँ, जो उसके मन में है अगर आपको उससे इलैबोरेटेड आंसर चाहिए तो आपको क्लोज एंडेड क्वेश्चन करने होंगे, और अगर आपको सिर्फ येस और नो या वन वर्ड में या वन सेंटेंस में आंसर चाहिए तो आपको क्लोज एंडेड क्वेश्चन करने होंगे। सो आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास कुछ डायमेंशंस होते हैं ऑफ गेटिंग डेटा फ्रॉम हेल्थ हिस्ट्री। हेल्थ हिस्ट्री जब हमें लेनी होती है तो उसमें हमारे पास कुछ डायमेंशंस होते हैं कि हमें इस इन चीज़ों के अकॉर्डिंग हेल्थ हिस्ट्री लेनी है। एक होता है हमारे पास इमोशनल डायमेंशन, इमोशनल डायमेंशन में हम क्या हिस्ट्री लेते हैं, बिहेवियर या इमोशनल स्टेटस कैसा है पेशेंट का, इमोशनली कैसा है पेशेंट यहाँ हॉस्पिटल में आकर या अपनी डायग्नोसिस को लेकर। देन सेल्फ कंसेप्ट क्या है उसका, बॉडी इमेज देखनी होती है, मूड, ठीक है, कोपिंग मैकेनिज्म, वो अच्छे से कोपिंग मैकेनिज्म यूज़ कर पा रहा है या नहीं, या फिर कोपिंग मैकेनिज्म्स उसके बारे में उसे पता भी है या नहीं, क्या पता उसे स्ट्रेस ज़्यादा हो रहा हो, तो ये सारी चीज़ें हमें देखनी होती है। देन सोशल स्टेटस, सॉरी सोशल डायमेंशन, इसमें हमें फाइनेंशियल स्टेटस देखना है, अगर पेशेंट का फाइनेंशियल स्टेटस अच्छा नहीं है तो ऑब्वियसली उसे हॉस्पिटल स्टे की वजह से स्ट्रेस होगा, अपनी डायग्नोसिस के अपने ट्रीटमेंट की वजह से भी स्ट्रेस होने लगेगा। देन लैंग्वेज, क्या पता कि आपके और आपके पेशेंट के बीच में लैंग्वेज बैरियर आ रहा है, तो ये सारा आपको पहले से कंसीडर करना है। देन कम्युनिटी रिसोर्सेज, कम्युनिटी रिसोर्सेज के बारे में पता होना चाहिए, सोशल रिलेशनशिप और फैमिली सपोर्ट कितना है, इन सब चीज़ों की आपको हिस्ट्री लेनी है। दिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन दी इन डायग्नोजिंग द डिजीज़ कंडीशन एंड ट्रीटमेंट। अब कौन सी डिजीज़ कंडीशन की बात कर रही हूँ मैं यहाँ डायग्नोस करने के लिए, ये नहीं कि अगर किसी पेशेंट को पेप्टिक अल्सर या फिर किसी पेशेंट को लाइक लिवर सिरोसिस है तो आप इसे डायग्नोस कर दोगे, इन चीज़ों की वजह से आप ये नहीं कह सकते कि पेशेंट को लिवर सिरोसिस है तो वो डायग्नोस करने में हेल्प करेंगे। नो, आपको जो नर्सिंग डायग्नोसिस देने हैं उनमें ये हेल्प करेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी पेशेंट के पास अच्छा फैमिली सपोर्ट नहीं है, ठीक है, तो उसकी डायग्नोसिस कैसे बनेगी, कि मतलब वो क्या होगा, एनजीएस होगा बहुत ज़्यादा, एन्जाइटी होगी उसे, ठीक है, क्योंकि वो कोप नहीं कर पाएगा अपनी प्रॉब्लम से। देन
इंटेलेक्चुअल, इंटेलेक्चुअल डायमेंशंस में क्या आता है, इंटेलेक्चुअल परफॉर्मेंस देखनी है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स देखनी है, और एजुकेशन लेवल कितना है पेशेंट का। अगर वो हाईली एजुकेटेड है तो ऑब्वियसली उसकी हेल्थ में जल्दी प्रोग्नोसिस होगा, क्योंकि वो समझ सकता है कि उसकी हेल्थ के लिए क्या अच्छा है क्या नहीं। बट अगर एजुकेशन लेवल पेशेंट का ज़्यादा अच्छा नहीं है तो हो सकता है उसे ये सब समझने में थोड़ा सा टाइम लगे, ठीक है। देन कम्युनिकेशन पैटर्न देखना है, अटेंशन स्पैन। देन स्पिरिचुअल, स्पिरिचुअल में आप देखेंगे बिलीव्स, रिलीजियस एक्सपीरियंसेस, रिचुअल्स, प्रैक्टिस, करेज एंड विल पावर। विल पावर इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन द हेल्थ एंड इलनेस, क्योंकि विल पावर अगर पेशेंट की जितनी अच्छी होगी उतनी ज़्यादा वो हेल्थ की साइड जाएगा, एंड जितनी विल पावर अच्छी नहीं होगी तो वो इलनेस की साइड जाएगा, ठीक है। देन हम देखते हैं फिजिकल डेवलपमेंट। नाउ फिजिकल डेवलपमेंट में क्या होता है, सॉरी फिजिकल एंड डेवलपमेंटल, इसमें हमें देखना है परसेप्शन ऑफ हेल्थ स्टेटस। हेल्थ स्टेटस का परसेप्शन कैसा है पेशेंट का, लाइक आप मान लो कि एक पेशेंट को सिर्फ कॉन्स्टिपेशन है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है, उसे कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो अपनी हेल्थ स्टेटस का परसेप्शन मतलब कैसे कर रहा है, वो कैसे परसीव कर रहा है अपनी हेल्थ को। उसे लग रहा है कि मुझे तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई, मेरी तो सर्जरी करनी पड़ेगी, मैं ठीक नहीं हो पाऊँगा एंड ब्ला ब्ला, ठीक है। और एक पेशेंट है अगर वो कैंसर उसे है, लेकिन फिर भी उसकी मतलब उसका परसेप्शन कैसा है अपने हेल्थ स्टेटस को लेके, वो सोचता है कि आई मे बी फाइन, ठीक है। सो ये सब हमें देखना है। देन पास्ट हेल्थ प्रॉब्लम, पास्ट में क्या क्या हेल्थ प्रॉब्लम्स उसे रही हैं, ठीक है, रिलेटेड हैं या नहीं है। प्रेजेंट हेल्थ स्टेटस देखना है उसका। देन रिस्क फैक्टर्स, कितने ज़्यादा रिस्क फैक्टर्स उसके आसपास हैं पेशेंट के आसपास कि उसे लाइक उसे इलनेस की तरफ लेके जा रहे हैं। लाइक कोई पेशेंट है उसे कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ है, ठीक है, या फिर उसे अभी अभी मायोकार्डियल इन्फेक्शन हुआ है, उसके बाद भी अगर वो क्रॉनिक स्मोकर है तो ये रिस्क फैक्टर उसके लिए ज़्यादा हो गया, ठीक है। देन रिव्यू ऑफ सिस्टम्स, रिव्यू ऑफ सिस्टम्स में क्या करेंगे आप, फिजिकल एग्जामिनेशन जो भी आपको मतलब थॉरो तो नहीं करनी है आपको, ठीक है, रिव्यू ऑफ सिस्टम कर सकते हैं, वाइटल साइंस वगैरह देख सकते हैं। देन ऑक्यूपेशन और एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग, ऑक्यूपेशन भी बहुत ज़रूरी है। कुछ डिजीज़ ऐसी होती हैं जो ऑक्यूपेशन से रिलेटेड होती हैं, स्पेसिफिक होती हैं, ठीक है। देन जैसे कि जो मोस्टली जो फॉल या एक्सीडेंट के केसेस होते हैं वो लेबर्स में ज़्यादा होते हैं, ठीक है, ड्राइवर्स में ज़्यादा होते हैं एक्सीडेंट के केसेस। तो इस तरह से ऑक्यूपेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है यहाँ पे। और एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग, और एक्टिविटी कैसी है, सिडेंट्री लाइफस्टाइल है, एक्टिव लाइफस्टाइल है, मॉडरेटली एक्टिव है, तो ये सारी चीज़ें जो है आपको कंसीडर करनी होगी इन दी हिस्ट्री टेकिंग। सो ये हो गया आपका असेसमेंट का पार्ट, यहाँ तक ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी नर्सिंग डायग्नोसिस, प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन एंड इवैल्यूएशन, वो नेक्स्ट क्लास में आपको पूरा हो जाएगा। सो तब तक के लिए प्लीज़ लाइक एंड शेयर माय वीडियोस, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, एंड अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू।